दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों की सेवाएं समाप्त करने के बाद उनकी सेवाएं फिर से बहाल करने के लिए जो शर्तें रखी गई थी उनको फुलफिल कर पाना जो है शिक्षा मित्रों के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। देखिए इसी बीच ये जो खबर है शिक्षा मित्रों के लिए एक उम्मीद की किरण है और ये एक बहुत ही गुड न्यूज है उनके लिए। अगले 4 सालों में वे अपनी सेवाएं फिर से वापस पा सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस खबर को, फिर मैं दिखाऊंगा आपको वो संबंधित दस्तावेज जिसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है और फिर हम लोग करेंगे एक एनालिसिस पूरी खबर के। आरटीई की संशोधित धारा से शिक्षा मित्रों को संजीवनी। केंद्र सरकार के अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 23(2), ये आप याद रखिएगा, आरटीई धारा 2009 की जो 23(2) धारा है, ठीक है, उससे संबंधित बात की जा रही है। यहाँ पे किए गए संशोधन से शिक्षा मित्रों को संजीवनी मिलती नजर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के संशोधित कानून पर अपनाए गए रुख से सहायक अध्यापक पर समायोजित हुए शिक्षा मित्रों को अगले 4 साल में पद की योग्यता हासिल करने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर याद रखिए सहायक अध्यापक पद पर समायोजित हुए शिक्षा मित्रों को, ठीक है, जो शिक्षा मित्र सहायक पद पर समायोजित नहीं हुए हैं ये खबर उनके लिए नहीं है। शिक्षा मित्रों के अधिवक्ता केएस कुशवाहा का कहना है कि संशोधित कानून संसद से पास हो चुका है। वर्ष 2017 में लागू कानून के मुताबिक 31 मार्च 2015 को कार्यरत प्राइमरी स्कूलों सहायक अध्यापक अगले 4 साल में पद की योग्यता हासिल करेंगे। सपा शासन में सहायक अध्यापक बनाए गए शिक्षा मित्रों को इस संशोधित कानून का लाभ मिलेगा। यह कानून संसद से पारित होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रभावी होगा, ये अंडरलाइन बात है, यानी कि ये कानून संसद से पारित है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी प्रभावी होगा। शिक्षा मित्र अगले 4 साल में टीईटी व अन्य योग्यताएं हासिल कर सकेंगे। वर्ष 2021 तक योग्यता हासिल न कर पाने वाले सेवा से बाहर हो जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी समय है, जो शिक्षा मित्र अगर चाहें तो प्रयास करके अपनी सेवा में बने रह सकते हैं और वो सहायक अध्यापक के तौर पे फिर से समायोजित हो सकते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार के इस कदम से शिक्षा मित्रों को पद पर बने रहने का अवसर मिल सकता है। फिलहाल न्यायमूर्ति यवसी त्रिपाठी ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से स्थिति स्पष्ट करते हुए 2 फरवरी तक का हलफनामा मांगा है, यानी कि उन्होंने कहा कि 2 फरवरी तक जो बेसिक शिक्षा सचिव हैं वो स्थिति को स्पष्ट करें और एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात की जा रही है केंद्र सरकार के अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 23(2) के बारे में, तो वो धारा क्या है उसके बारे में आइए मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए, अप्रशिक्षित सेवाकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NIOS के DLED कोर्स के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न के अंतर्गत धारा 23(2) का उल्लेख भी किया गया है। यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, शुरू से देखता हूँ। पृष्ठभूमि, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम 2009 की धारा 23(1) निम्न को निर्धारित करता है। इसको देखिए, कोई व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा दी गई अधिकृत अधिसूचना से निर्धारित न्यूनतम योग्यता होने पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। यही वो बात थी जो शिक्षा मित्रों के लिए, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो फांस बन गई थी, लेकिन 23(2) ये उनके लिए अमृत बन रहा है। और वो धारा में क्या लिखा है इसको देखिए आप, एक शिक्षक जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर उपधारा एक मतलब ये जो उपधारा एक है के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखता, वह 5 साल की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेगा, ठीक है। साथ ही एक शिक्षक जो 31 मार्च 2015 को शिक्षक है या फिर नियुक्त स्थिति में है, ठीक है, तो शिक्षा मित्र या तो शिक्षक थे उस समय या तो नियुक्ति की स्थिति में थे, पर उपधारा एक के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखता था, न्यूनतम योग्यता उनके पास तब नहीं थी ये तो आप मानेंगे, वह मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 के लागू होने की 4 साल की अवधि के भीतर न्यूनतम योग्यता ग्रहण करेगा। ये कानून जो था वो संसद के द्वारा पारित किया गया था, वीडियो को पॉज करके आप ठीक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही वो लाइन है, यही वो दिशा निर्देश है जो कि शिक्षा मित्रों को उनका पद उन्हें वापस दिला सकता है, लेकिन उन्हीं शिक्षा मित्रों को जो लोग अगले 4 साल में जो अर्हता है शिक्षक होने के लिए अगर वो प्राप्त कर लेते हैं तो, लेकिन इससे उनका एक्सटेंशन बढ़ रहा है
टाइम ड्यूरेशन बढ़ रहा है, जो कि एक शुभ संकेत है शिक्षा मित्रों के लिए। तो फ्रेंड्स, जो लोग शिक्षा मित्र हैं उनको मेरी शुभकामनाएं है कि वो अगले 4 सालों में अपनी सेवाएं फिर से बहाल करवा सकें, सहायक अध्यापक के तौर पर खुद को समायोजित करवा सकें, क्योंकि जीविका और आजीविका ये जीवन के अभिन्न अंग हैं और मैं चाहता हूं कि संसार का हर व्यक्ति अपनी जीविका और आजीविका चलाता रहे और वो भी सम्मानजनक स्थिति में। तो फ्रेंड्स, अगर आप शिक्षा मित्र या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे अच्छी खबरें, सबसे विश्लेषणात्मक खबरें, तो जो भी फैक्ट्स होते हैं, स्टडी मटेरियल, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ अपने चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करके हमें अपना समर्थन प्रदान करें ताकि मैं आपकी ऐसी सेवा करता रह सकूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।